एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्जी। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे 2 से 3 पानी तक हम धो लेंगे। हमने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने इसमें थोड़े से आलू भी ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे पकाएंगे। फिर हमने एक टमाटर भी ऐड कर लिया है ऊपर से, और सारी गोभी और आलू को हमने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। हम कुकर में ही पकाएंगे। अब ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जब पकेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और इसे पकने के लिए अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं हमारी गोभी पक रही है और ये नीचे जा चुकी है। इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर। उनके पास अगर आपको चटपटी खानी है तो मतलब थोड़े लोगों को खट्टा खट्टा खाना पसंद होता है, वैसे तो एक टमाटर डालने से आपको इसमें खटास सी आएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए हमारी गोभी पानी छोड़ रही है, तो इस टाइम पर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये इसके ही पानी से आपको पूरी पकाना है। तो राइस भी चढ़ा लीजिए आपने। 4 से 5 काली मिर्ची ऐड करेंगे। मुझे पर्सनली काली मिर्ची का टेस्ट बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो पाउडर भी पीस कर डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर भी है, बट मुझे सादी काली मिर्च जब आती है तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है, इसके आलू गल चुके हैं और ये पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल लेंगे। देखिए हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। देखिए हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर रहे हैं, इतनी काफ़ी है। यहाँ पर रेडी है टेस्टी एंड डिलीशियस। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। जज़ाकअल्लाह खैर।